वेलकम गाइज, जीके एमसीक्यू जेम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी बीमारी किस कारण से होती है। ठीक है, ये आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम और कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन सी बीमारी के लिए कौन सा बैक्टीरिया, वायरस, फंजाइ, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा जिम्मेदार है। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार के नॉलेजफुल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं और ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है गाइस। ठीक है, और आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे सर इसके बारे में वीडियो बनाइए, तो मैंने बना दिया है फाइनली। और किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे देखो, यहाँ पर हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में कई तरह के संक्रमक रोग पाए जाते हैं, इनमें से बैक्टीरिया द्वारा होने वाले प्रमुख रोग इस प्रकार है, यानी कि ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग आपके सामने दिए हुए हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है? आता है। ठीक है, तो जिसको पता है, क्योंकि वहाँ पर तीन ऑप्शन तो दे दिए जाते हैं किसी ऑदर के, और एक ऑप्शन दे दिया जाता है बैक्टीरिया का। तो जिसको बैक्टीरिया से होने वाले रोगों का पता होगा, ये लिस्ट पता होगी, ये सारे टेबल भी मैं आपको दिखाऊंगा और सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूँगा कि एंथ्रेक्स क्या होता है, ये रोग सब के बारे में आपको बताऊँगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझना है ताकि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला रोग है एंथ्रेक्स। क्या है एंथ्रेक्स? यहाँ पर जो दिया हुआ है डिजीज़ एंथ्रेक्स, आपको याद रखना है। देखो या नाम तो ऐसे याद रखना पड़ेगा, एंथ्रेक्स किससे होता है, कौन से बैक्टीरिया से होता है? बेसिलस एंथ्रासिस। तो ये बेसिलस एंथ्रासिस से होता है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा इमेजेस में दिखा देता हूँ कि एंथ्रासिस आखिर होता क्या है, किस प्रकार का दिखता है। तो थोड़ा सा मैं इमेजेस आपको दिखाना चाहूँगा। सो गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये होता है एंथ्रासिस। ठीक है, तो ये इस प्रकार का रोग होता है जो बैक्टीरिया से होता है। मैंने आपको अभी दिखा दिया इसका कारण क्या है, ये इस प्रकार का दिखता है। तो इमेजेस से आपको क्या याद अच्छा रहेगा। ठीक है, चलते आगे और। सो गाइज, आपका नेक्स्ट जो रोग है वो है क्लेमाइडिया। ठीक है, क्लेमाइडिया किससे होता है? क्लेमाइडिया ट्रोकोमिटस। तो ये क्लेमाइडिया ट्रोकोमिटस से होता है गाइज। ठीक है, अब ये आप समझ नहीं पा रहे होंगे सर ये क्या होता है क्लेमाइडिया, सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा, आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी है। थोड़ा सा मैं आपको इमेजेस दिखा देता हूँ ताकि आप इजीली याद रख सको। ठीक है, सो गाइस, जैसे कि आप इस रूम में देख पा रहे होंगे, ये यूट्रस से सर्विक्स, जानते हो ना आप सब पढ़ के आए हो सर्विक्स क्या होता है, गर्भाशय क्या होता है, योनि क्या होती है। तो ये सर्विक्स का माउथ है, इस पर इन्फेक्शन फैला हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार का डिजीज़ होती है जो कि क्लेमाइडिया से होती है। ठीक है, और ये ज़्यादातर जेनेटल ऑर्गन में होती है। ठीक है ना, चलते आगे और। सो गाइस, जैसे कि आपने अभी इमेजेस देखी है, वो क्लेमाइडिया था और वो क्लेमाइडिया ट्रोकोमिटस से होता है। नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो है सुजाक गोनोरिया, जिसको आप बोलते हो। ठीक है, तो गोनोरिया तो आप सब जानते हो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, और ये नाइजीरिया गोनोरिया से होता है। ठीक है, नाइजीरिया गोनोरिया से। नेक्स्ट आपका प्लेग की बीमारी, तो आपने सबने सुना होगा। ठीक है, प्लेग की बीमारी ज़्यादातर किससे फैलती है? चूहों से, है ना। सब कुछ मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, पहले तो आपको बस याद रखना है कि कौन सी बीमारी किससे होती है। तो ये होती है यीस्टीरिया पेस्टिस से। किससे होती है? यीस्टीरिया पेस्टिस से होती है प्लेग की बीमारी। अगला है वात जवर या रूमेटिक जवर, तो ये किससे होता है? स्ट्रेप्टोकोकस से होता है। ठीक है, अब जवर तो आपको पता है कि रूमेटिक फीवर यानी कि बुखार है, तो समझ सकते हो बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है। ठीक है, इसकी कोई इमेजेस नहीं है, तो ये किससे होता है? स्ट्रेप्टोकोकस से। अगला है लाल बुखार या सिंदूर जवर भी इसको बोल सकते हो, स्कारलेट फीवर स्ट्रेप्टोकोकस से होता है। ठीक है, ये सब बैक्टीरिया है गाइज। अगला है धनु अस्तम या टिटेनस। देखो गाइज, इंग्लिश वालों के भी अच्छा मैंने यहाँ पर अच्छा दे दिया है। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए भी और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी, ताकि दोनों को कोई दिक्कत ना हो। तो हिंदी में तो उसको बोलते हैं धनुस्तम, और इंग्लिश में बोलते हैं टिटनस। तो टिटनस रोग जानते हो? नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा इमेजेस। ये किससे होता है? क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी से होता है। कि ठीक है ना, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी से होता है टिटनस। और ये किस प्रकार का रोग होता है? बहुत ही खतरनाक रोग है गाइस ये टिटनस। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसके इमेजेस, आप भी देख के अजीब चौंक जाओगे। तो चलिए इसके इमेजेस मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको लाइफ टाइम याद रहे। सो गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये है टिटनस के पेशेंट, यानी कि टिटनस का मरीज है। धनुस्तंभ जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये धनुष जैसा बन चुका है। ठीक है,
तो इसी प्रकार के ये धनुष जैसा बन चुका है, तो इसीलिए इसको धनुष्तंभ बोलते हैं। और टिटनेस बहुत ही घातक बीमारी है गाइस, देख पा रहे होंगे आप, इस प्रकार की कंडीशन हो जाती है मरीज की, तो जितना हो सके इससे बचकर रहिए, ठीक है। तभी तो आपने देखा होगा ना कि आपके लोहे की लग जाती है, कट जाती है, तो टिटनेस का टीका लगाया जाता है, वो इस वजह से लगाया जाता है ताकि इस प्रकार की बीमारी नहीं हो आपको, ठीक है ना। तो ये बीमारी इसी प्रकार की होती है, समझ में आ गया, चलते हैं आगे की ओर। आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा टिटनेस, ठीक है, जितना हो सक रहा है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बोल देना। क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनियस से होता है गाइज। नेक्स्ट है विषाक्त आघात सिंड्रोम, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, ये किससे होता है, स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस से होता है, सिंपल सा है ये। स्ट्रेप्टोकोकस बहुत सारी जगह आ रहा है तो इजीली आप इसको याद रख सकते हो। अगला है ट्यूबरक्लोसिस, तो सब जानते हैं टीबी जिसको बोलते हैं, तपेदिस, ठीक है, क्षमा भी इसको बोलते हैं। तो ये टीबी किससे होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और आप सब जानते हो कि 2 हफ्ते से ज़्यादा का से टीबी हो सकती है, क्योंकि ये लंग्स को इफेक्ट करती है, फेफड़ों को इफेक्ट करती है, लंग्स की डिजीज़ है, ठीक है, तो आप अनुमान लगा सकते हो। और एक किससे होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, डिटेल में अभी पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। तो आपको तो बस ये याद रखना है कि ये इससे होती है, ये सब बैक्टीरिया है गाइज, बैक्टीरिया के स्टेप में रखना है आप इसको, क्योंकि वायरस का भी पढ़ेंगे अपन और सबका पढ़ेंगे एक वन बाय वन करके। अब आता है टाइफाइड म्यादी, जिसको आप बोलते हो, टाइफाइड किससे होता है, साल्मोनेला टाइपी से होता है, साल्मोनेला टाइपी और साल्मोनेला पेराटाइपी से होता है, पेराटाइफाइड, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट याद रखना है गाइस, 100% क्वेश्चन आएगा यहाँ से, देखना। अगला है आपका कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग लेप्रोसी, ठीक है। तो ये लेप्रोसी जो रोग है किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। अगला है कुष्ठ रोग सफ़ेद दाग, सफ़ेद टाइप के हो जाता है, वहाँ पर सेंसेशन ख़त्म हो जाता है। डिप्थेरिया क्या होता है, तो डिप्थेरिया किससे होता है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया से होता है, ठीक है। वीडियो को 2-3 बार देख लेना, सब याद हो जाएगा आपको, बस कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया। नेक्स्ट है लाइम रोग, ये जो लाइम रोग होता है ये किससे होता है, बोरेलिया ब्रग डोरिफेरे बैक्टीरिया से, ठीक है। निमोनिया, ये तो आपने जगह जगह आसपास पड़ोसियों से सुना होगा आपने, तो किसी को निमोनिया हो गया है ना, सुना होगा कि किसी की निमोनिया से डेथ हो गई, किसी को निमोनिया हो गया ना, सुना है ना। तो ये किससे होता है, कई तरह के वायरस और बैक्टीरिया से होता है, जो कि लंग्स को इफेक्ट करते हैं, लंग्स में पानी सा भर देते हैं, तो सांस आने में दिक्कत होती है निमोनिया में, ठीक है, क्योंकि फेफड़ों का रोग है, सांस आने में डिफ़िकल्टी, ये इसकी पहचान है निमोनिया की, तभी तो बच्चों की मौत हो जाती है क्योंकि उनको सांस नहीं आता, तो निमोनिया से जितना हो सके बचकर रहिए। अगला है रिकेटस, रिकेटस संक्रमण यानी कि रिकेटस का इंफेक्शन, रिकेटस समूह के बैक्टीरिया द्वारा, ठीक है। सिफिलिस के बारे में तो सबने सुना होगा ना, ट्रेपोनोमा पेलिडियम से होता है ये, ठीक है ना, सिफिलिस। अगला है काली कासी, वूपिंग कब इसको बोलते हैं, पार्टुसिस, ये होता है बोरेटेला पर्टुसिस से होता है। अब डिटेल में सारे रोग को हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में पूछा जाए तो आपको सब आ जाए। तो एंथ्रेक्स को हम डिटेल में थोड़ा सा देख लेते, नॉलेज होना जरूरी है गाइज। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो आपको याद रखना है, एंथ्रेक्स जो है जीवाणु द्वारा होने वाला एक रोग है, ठीक है, जो आमतौर पर शाकाहारी जानवरों में पाया जाता है। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते, हो गया। एंथ्रेक्स संक्रमण जानवरों या पशु उत्पादों के द्वारा, ये पशुओं से होता है गाइस। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि पशुओं से होने वाला शाकाहारी पशुओं से, ना इस प्रकार से पूछा जा सकता है। संक्रमण से मनुष्य में फैलता है, यानी कि पशु के संक्रमण से मनुष्य में आ जाता है। एंथ्रेक्स बीजाणु यानी कि स्पोर बनाने वाले जो मरता जीवाणु सॉइल बैक्टीरिया होते हैं ना, बेसिलस एंथ्रासिस की वजह से होने वाला एक रोग है। इस बीमारी के 22 मामलों में 5 घातक हो सकते हैं, ये चीज़ें बताऊँ। सो इससे रिलेटेड लक्षण भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि एंथ्रेक्स दुनिया भर के पशुओं में, अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अफ्रीका आमतौर पर पाया जाता है। एंथ्रेक्स के लक्षण जो है जीवाणु द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ पर निर्भर करते हैं, जैसे त्वचीय एंथ्रेक्स के संक्रमण वाली जगह पर सूजा हुआ, दर्द रहित, ठीक है, काला पपड़ी नुमा धब्बा बन जाता है, ये इसके लक्षण है।
और लसिका ग्रंथियाँ फूल जाती है, ये इसके लक्षण आपको याद रखने हैं क्योंकि लक्षण भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो एंथ्रेक्स के बारे में आपको ये तो याद ही रखना है किस कारण से होता है, क्या लक्षण है इसके, और बेसिक डिटेल ये पशुओं से कि इंसान में आता है। ठीक है ना, नेक्स्ट था आपका क्लेमाइडिया। तो क्लेमाइडिया बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, दुनिया भर में सबसे आम बीमारियों में से एक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, हम सब बैक्टीरिया का पढ़ रहे हैं। ठीक है, वायरस का भी बाद में देखेंगे, फंगस का भी देखेंगे और प्रोटोजोआ का भी देखेंगे। तो क्लेमाइडिया की तीन मुख्य प्रजातियाँ मनुष्य में बीमारी का कारण है, ये प्रजातियाँ भी आपको याद रखनी है। क्लेमाइडिया टोकोमेटस, जो कि यौन संचारित रोग सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज़ का कारण बनता है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से। ठीक है, कि जो क्लेमाइडिया टोकोमेटस है यानी कि यौन संचारित रोग का कारण कौन सा क्लेमाइडिया बनता है, तो ये नाम आपको याद रखना है, जिसे सामान्यतः क्लेमाइडिया के रूप में जाना जाता है। इस प्रजाति में आँखों का रोग ट्रोकोमा भी होता है। ठीक है ना, क्लेमाइडिया निमोनी सांस की बीमारियों ब्रोंकाइटिस और निमोनिया का कारण भी बनता है। ठीक है, क्लेमाइडिया सिट्टेसी से इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी सिटनोसिस भी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें तो आपको याद ही रखनी है, थोड़ा सा और डिटेल देख लेते इसके बारे में। इन तीनों प्रकार की प्रजातियों से होने वाली बीमारियों में क्लेमाइडिया निमोनी से होना वाला निमोनिया प्रमुख रूप से छोटे बच्चों में आमतौर पर होता है। क्लेमाइडिया सिस्टेसी का मुख्य रूप पक्षियों द्वारा उनके संक्रमण में मनुष्य के संक्रमण में आने से फैलता है, सिंपल सी बात है, जिससे बीमारी सिटोसिस नाम की होती है। ठीक है, तो आपको बेसिक डिटेल इसकी याद रखनी है। क्लेमाइडिया मैंने अभी आपको दिखाया था ना स्क्रीन में, सर्विस में इन्फेक्शन हो रहा था, ठीक है, तो उसको इफेक्ट करता है, और इसके तीन प्रजातियाँ भी आपने यहाँ पर देख ली। ठीक है, चलते आगे की ओर गाइस। क्लेमाइडिया के थोड़े से हम लक्षण भी देख लेते हैं क्योंकि लक्षण पूछे जा सकते हैं। तो ये बैक्टीरिया जो वायरस की तरह अधिक व्यवहार करते हैं, जो लक्ष्य कोशिकाओं पर हमला करके उनके अंदर अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। इस बैक्टीरिया के कारण संभोग के दौरान जननांग मार्ग, जैसा कि मैंने अभी इमेजेस आपको दिखाई थी, मुंह और मलाशय की श्लेष्मा झिल्ली म्यूकस मेम्ब्रान संक्रमित होती है। क्लेमाइडिया संक्रमण की संक्रमित व्यक्ति के शौचालय पर बैठने से भी हो सकता है, तौलिया का यूज करने से भी हो सकता है, किसी प्रकार का कांटेक्ट उससे होता है तो वो ट्रांसमिट हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया के कारण होता है तो ट्रांसमिट होना ही होना है। ज़्यादातर व्यक्तियों में इसके लक्षण संक्रमित होने के 3 हफ्ते बाद दिखाई देते हैं। ठीक है ना, महिलाओं और पुरुष दोनों में इसके लक्षण में जननांग क्षेत्र में खुजली और दर्द पाया जाता है, जैसे कि मैंने बोला कि ज़्यादातर जेनिटल हॉर्मोनों को इफेक्ट करता है। महिलाओं में इसका संक्रमण ज़्यादा गंभीर हो जा सकता है, जिसे पेट के निचले हिस्से में दर्द, बुखार और मानसिक द्रव यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय योनि में होना लगता है। ठीक है, इससे संक्रमित महिलाओं में नवजात बच्चों के आंखों में संक्रमण और निमोनिया का हो सकता है। तो ये क्लेमाइडिया बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, जेनिटल ऑर्गन को ज़्यादातर ये इफेक्ट करता है। ठीक है, और किस कारण से होता है वो मैंने आपको बता ही दिया, चलते आगे की ओर। अगला था आपका गोनोरिया। ठीक है, तो नाइजीरिया गोनोरिया से होता है। सुजाक एक यौन संचारित रोग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा यौन संचारित रोग है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो सुजाक है गोनोरिया ये यौन संचारित रोग है, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज है, जो बैक्टीरिया जीवाणु नाइजीरिया गोनोरिया द्वारा फैलता है। यह जीवाणु शरीर के नम और गर्म क्षेत्र, जैसे महिलाओं में गर्भाशय यूट्रस जिसको आप बोलते हो, फ्लोविन ट्यूब में, पुरुषों में मूत्रमार्ग आदि में विकसित होता है। गोनोरिया क्लेमाइडिया के बाद सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला यौन संचारित रोग है, STD सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज। ठीक है ना, यह ज़्यादातर 30 से कम उम्र के व्यक्तियों में पाया जाता है। इसकी उच्चतम दर यौन सक्रिय किशोर और युवावस्कों में पाई जाती है। एक से ज़्यादा यौन साथी होने से इसका खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि यौन संचारित रोग है गोनोरिया। ठीक है, और इसके सब पढ़ेंगे अपन, लक्षण वगैरह भी देखेंगे अभी। पुरुषों में गोनोरिया में एपिडिडाइमिस या अंडकोश की सूजन हो सकती है और लिंग से एक मोटे तरल पदार्थ का स्त्राव हो सकता है। गोनोरिया में ऐसा ही होता है पुरुषों में। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरे साथ साथ आप भी रीड किया करो। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, महिलाओं में योनि स्त्राव, पेशाब में जलन और मानसिक द्रव के समय खून आ सकता है नाइजीरिया गोनोरिया के कारण। कभी कभी इस रोग के लक्षण अस्पष्ट होते हैं।
संक्रमित महिलाओं के नवजात बच्चों में भी यह रोग हो सकता है, फैल सकता है। ऑब्वियसली बात है कि अगर कीड़ा से होगा तो फैलेगा ही फैलेगा, ठीक है। सो गाइज, इसके बारे में और डिटेल हम ले लेते हैं। इस रोग की जांच संक्रमित क्षेत्रों के नमूने, मूत्र के नमूनों में इसके बैक्टीरिया की पहचान करके हो सकती है, ठीक है। एंटीबायोटिक दवाइयों में इसका उपचार संभव है, क्योंकि अगर बैक्टीरिया से हो रहा तो ऑब्वियसली बात है कि हम एंटीबायोटिक उनको प्रोवाइड करेंगे। कई मामलों में क्लेमाइडिया और सुजाक यानी कि गनोरिया एक साथ पाया जाता है, क्योंकि दोनों रोग क्या है, आपने दोनों में कॉमन देखा होगा कि सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज है और ये यौन संचारित रोग है, और दोनों जेनाइटल ऑर्गन को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। क्लेमाइडिया हो गया आपका और सुजाक हो गया, तब इन दोनों रोगों के लिए दवाइयाँ दी जाती है। असुरक्षित यौन संबंधों से बचाव, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, HIV एड्स में भी यही होता है, असुरक्षित यौन संबंध से बचना चाहिए, ठीक है, फैलने से रोका जा सकता है, और कंडोम का प्रयोग खतरे को कम कर सकता है, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है आपको, दोनों के कॉन्टेक्ट होने से यही बचाता है, ठीक है। तो बहुत सारे डिजीज है जिसे ये बचाता है, तो यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका प्लेग डिजीज में आ जाता है, ठीक है। तो प्लेग एक प्राचीन रोग है जिससे लाखों लोगों की मौत हो चुकी है, ठीक है, प्राचीन रोग है प्लेग की बीमारी, और बहुत प्राचीन की बात है गाइस, बहुत सारी डेथ हुई थी इससे, ठीक है ना, महामारी के रूप में उभर के आई थी। यह मानव सभ्यता की सबसे घातक बीमारियों में से एक है, ठीक है। यह बीमारी कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई, और दुनिया ने कई बार इसके प्रकोप का अनुभव भी किया। अभी इसके 1,000 से 3,000 मामले हर वर्ष पाए जाते हैं। एंटीबायोटिक दवाइयों से मनुष्य द्वारा रोका जा सकता है। देखो गाइस, बैक्टीरिया की जितनी बीमारियां हैं सबका इलाज है, बट वायरस का अभी तक भी कोई इलाज नहीं पाया है, ठीक है, क्योंकि उसमें वो अपनी कोशिका का यूज करता है वायरस, इसलिए। प्लेग स्वाभाविक रूप से पशुओं में पाए जाने वाला रोग है जो मनुष्य में फैलता है। कैसे फैलता है, किस प्रकार के लक्षण होते हैं, सब हम देखेंगे अभी। प्लेग एक बैक्टीरिया, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, हिस्टीरिया पेस्टिस के संक्रमण के कारण होता है। यह बैक्टीरिया चूहों, फ्रे कुत्तों और अन्य जो जानवर हैं, रोडेंट जानवरों में पाया जाता है। पिसों के इन जानवरों के काटने पर यह जानवरों में फैलता है, पिसू जो काट लेते हैं जानवरों को, ठीक है, बाद में ये पिसू मनुष्यों को संक्रमित कर देते हैं। प्लेग दो मुख्य रूप है, ठीक है, पहला जैसा कि बुबनिक प्लेग, और जो पिसू जानते हैं ना, पिसू के काटने से फैलता है। इस रोग में क्या होता है, लिम्फ नोड सूज कर बड़े हो जाते हैं, ठीक है, जिन्हें म्यूबोस कहते हैं, जिनके कारण इनका नाम बुबोनिक प्लेग पड़ा, ठीक है। ये लिम्फ नोड सूज जाता है, ये याद रखना है आपको, बाहों के नीचे, पैरों के शीर्ष पर और गर्दन में आमतौर पर पाए जाते हैं। दूसरा फेफड़ों में होने वाला प्लेग है, ठीक है। तो आपको तो बस इतना से याद रखना है कि ये प्लेग किससे होता है, क्या लक्षण होते हैं, मैंने आपको बता दिया। और गाइस, चूहों से होता है ज़्यादातर, ठीक है। चूहे क्या होते हैं, रेट चूहे आपके घर में भी होंगे तो उनसे सावधान रहना। ये चूहे देखो कई बार घूम पे आ जाते हैं, जैसे ये गंदगी में भी घूम के आ जाते हैं, तो ये नाते थोड़ी है कि हमको किसी के घर में जाना है, किसी की रोटी के ऊपर घूमना है, किसी को काटना है, तो ना तो ये मुँह साफ करते हैं, ना ही ये बाहर गंदगी में जाकर जब भी अंदर आते हैं आपके घर में, ठीक है ना, तो ऐसा कोई ये नाके नहीं आते। इनके पैर जैसे किसी कचरे में, कूड़ा कचरे बिखरा हुआ है आपके आसपास, तो ये जैसे कोई चूहा है तो कचरे में पहले तो घूम लिया, ठीक है, और उस कचरे से थोड़ा दूर आपका घर है, ठीक है। डिजाइनिंग इतनी अच्छी नहीं है बट समझ लेना गाइस, ठीक है, कोशिश करो। तो एक इधर आपके कचरा पड़ा हुआ है, यहाँ पर घूम के सीधा आपका चूहा अंदर घुस गया, तो अब ये तो ना तो नाक के आया, ना कुछ धोके, ना सैनिटाइजर लगाए, ठीक है, सीधा आपके घर में घुस गया और आपके जितने भी सामग्रियाँ थी उनमें घूम गया, ठीक है, चूहा। तो इसी प्रकार से ये बीमारी को फैलाता है, ठीक है, तो इनसे सावधान रहना चाहिए। ये प्लेग की बीमारी भी इनसे होती है, ठीक है, चलते आगे की ओर। अगला जो रोग था आपका वो था लाल बुखार या सिंदूर चवर, ठीक है। लाल बुखार किससे होता है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से होने वाला एक संक्रामक रोग है। जब यह संक्रमण गले में होता है तो इसमें क्या होता है, ग्रसनी सोथ होता है, प्रिंजाइटिस। जब यह संक्रमण त्वचा में होता है तो इसे चरम स्पॉट कहते हैं, ठीक है। इसके लक्षणों में क्या होता है, बुखार, शरीर पर दाने निकलते हैं, ठीक है। स्कारलेट ज्वर युवा व्यक्तियों में बच्चों को प्रभावित करने वाली बीमारी है। बीमारी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से, छींकने से और कांसने से फैलती है,
यानी कि रेस्पायरेटरी की प्रॉब्लम है ये, गले में क्रास, बुखार, चमकदार लाल पतले दाने उभर आते हैं, ठीक है। इस रोग के मुख्य लक्षण है, ये लक्षण आपको याद रखने हैं। त्वचा पर गहरी लाइनें दिखाई देती है जिससे प्लेस्टिया लाइन कहते हैं, और मुंह के आसपास के क्षेत्र पीला हो जाता है, तो इसके लक्षण आपको याद रखने बेसिकली। और एक किससे होता है, स्ट्रेप्टोकोकस से, लाल बुखार या सिंदूर ज्वर इसको बोलते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लेना। नेक्स्ट, अगला जो रोग था आपका वात ज्वर यानी कि रूमेटिक ज्वर, ठीक है। रूमेटिक ज्वर या बुखार जोड़ों और दिल की बीमारी है, ये आपको याद रखना है। किसकी? हेड की और जोड़ों की बुखार, ठीक है। यह स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के विशिष्ट प्रकार के संक्रमण के बाद एक प्रतिरक्षा इम्यून रिएक्शन के कारण परिणाम के रूप में होता है। इसके प्रभावित लोगों में बुखार, जोड़ों का दर्द, नाक सूजन, ये लक्षण आपको याद रखना है। लोगों में बुखार, जोड़ों की दर्द, नाक सूजन, घुटने, कोहनी, कुल्हे में जैसे लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है। इतनी जगह सूजन आपको देखने को मिलती है। कुछ लोगों को सीने में दर्द और सांस की तकलीफ भी हो सकती है रूमेटिक ज्वर के कारण, रूमेटिक बीमारी के कारण। यह बीमारी 3 महीने से ज़्यादा तक रह सकती है और अच्छी तरह से उपचार न होने पर घातक तक भी हो सकती है और गंभीर हृदय रोग भी हो सकता है रूमेटिक फेवर से, ठीक है ना। हृदय की बीमारी भी हो सकती है अगर आप इलाज नहीं करवाया तो रूमेटिक फेवर के आपने लक्षण देख लिए। ज़्यादातर जोड़ों में दर्द, नाक सूजन होती है, कोहनी में, घुटने में, ठीक है। और स्ट्रेप्टोकोकस का मेन कॉज है बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक देंगे इलाज के लिए, ठीक है। तो ये रूमेटिक फेवर आपका हो गया। अगला है आपका टिटनस, ठीक है, धनुस्तंभ जिसको आप बोलते हो, और इसका पिक्चर भी मैंने आपको दिखाया था, बहुत ही खतरनाक था, ठीक है, बहुत ही खतरनाक ये डिजीज़ है। तो टिटनस किसकी बीमारी है? तंत्रिका नर्वस सिस्टम तो जानते हैं ना सब, उसकी बीमारी है, उसका विकार है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि जो टिटनेस है वो किससे संबंधित है, कौन से तंत्र को इफेक्ट करता है, पाचन तंत्र को, तंत्रिका तंत्र को, या फिर हमारे श्वसन तंत्र को, या फिर हमारे प्रजनन तंत्र को। तो जिसको पता होगा तो टिक कर देगा, तंत्रिका तंत्र को इफेक्ट करता है सर जी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है आपके। तो ये किसको इफेक्ट करता है? नर्वस सिस्टम को, तंत्रिका तंत्र को इफेक्ट करता है। जो जीवाणु क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, ये तो आपको याद ही रखना है गाइस, जीवाणु का नाम तो याद ही रखना है आपको, ठीक है। क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी द्वारा होता है। यह आमतौर पर तब होता है दर्दनाक चोटों और घावों को इस बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न विषैले पदार्थ दूषित कर देते हैं। इस बीमारी में मांसपेशियों में तीव्र ऐंठन होती है। टीकाकरण से इसके रोगियों की संख्या में काफ़ी कमी आई है, ठीक है। हालांकि यह अभी भी विकसित देशों में काफ़ी पाया जाता है। क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी सामान्य रूप से मिट्टी में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है, ठीक है। इस बैक्टीरिया के बीजाणु किसी आघात या घाव से मरीज के शरीर में जाकर विकसित होते हैं और विषैला पदार्थ, मैंने बोला ना कि जाता तो लोहे के पदार्थ में, ठीक है, या फिर आप कहीं पर कट लग रहा हो ना वहाँ पर भी इंटर हो जाता है ये। जब इससे जबड़े की मांसपेशियाँ ऐंठ जाती है तो इसे लोकचा भी कहते हैं। मांसपेशियों में ऐंठन के अलावा, जैसा कि बहुत ही खतरनाक मांसपेशियों में ऐंठन होती है, मनुष्य जो है पूरा धनुष के जैसा बन जाता है। रोगियों को पसीना, बुखार, चिड़चिड़ापन और बेचैनी ये तुरंत ही रहती है का अनुभव हो सकता है। इसका निदान आमतौर पर रोगों के लक्षण पर किया जाता है। प्रयोगशाला में यह बैक्टीरिया विकसित नहीं होता है, ठीक है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। इसके प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए टिटनेस का टीका लगाया जाता है, प्रतिरक्षा इम्यूनोग्लोबिन TIG, ठीक है, टिटनेस इम्यूनोग्लोबिन का इंजेक्शन दिया जाता है TIG का, ठीक है। यह बीमारियों से उत्पन्न होने वाला विषैला पदार्थ है टिटेनोस्पेमिन कहते हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स के माध्यम से रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क में पहुँचता है, ठीक है। यह विषैला पदार्थ तंत्रिका गतिविधियों में प्रतिक्रिया और मांसपेशियों में ऐंठन और अन्य लक्षण पैदा करता है। टीकाकरण से इस रोग का इलाज संभव है। तभी तो बोलते हैं कि नहीं किसी से लोहे की लग जाती है, कहीं पर कट लग जाता है, तो हम क्या करते हैं लोहे का हमारा जो टिटनेस का टीका है उसको लगवा लेते हैं, ठीक है। तो इस वजह से लगाया जाता है ताकि आपको टिटनेस रोग से बचाया जा सके धनुस्तंभ से, ठीक है। तो सब पता चल गया किससे होता है, कौन से तंत्र को इफेक्ट करता है, लक्षण क्या है, सारी चीज़ें आपने देख ली, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। आपका अपना चैनल है GK MCQs MK, ठीक है। यहाँ पर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम की और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना।
तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और शेयर को जरूर किया करो गाइज, और लाइक भी कर दिया करो ठीक है, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिले तो और बढ़िया वीडियो आपको मतलब और जल्दी मिले। चलते आगे एक और, अगला जो रोग है विषाक्त आघात सिंड्रोम यानी कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम स्टाफिलोकोकस ओरेस और स्ट्रेप्टोकोकस यूनजिस नामक बैक्टीरिया द्वारा हो सकता है। स्टाफिलोकोकस ओरेस लगभग 50% लोगों के नाक में पाया जाता है, जिससे ये किस क्या पढ़ रहे हैं हम, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम ठीक है, जिससे कुछ बैक्टीरिया में यह रोग पैदा करने की क्षमता होती है। ये दोनों बैक्टीरिया एक प्रकार का विषाला पदार्थ पैदा करते हैं जिसे सुपर एंटीजन कहते हैं ठीक है। इसके संक्रमण का खतरा सर्जरी के बाद नशीले दवाइयों को प्रयोग इन्फ्लुएंजा चेचक वायरस के साथ संक्रमण द्वारा अधिक रहता है ठीक है। और इस रोग के प्रमुख लक्षण क्या है, फ्लू जैसे रक्तचाप कम होना, दस्त और उल्टी, तो ये आपको याद रखना है लक्षण। कारण किससे होता है हमने देख ही लिया, तो आपको ये मेन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए किस वजह से होता है, लक्षण क्या है, इलाज क्या है। चलते आगे एक और, अगला रोग आता है आपका ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी जिसको आप बोलते हो ठीक है, तपेदित। तो गाइज आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी है, अभी तो सारे वायरस के जितने भी रोग हैं वो भी अभी करवाने हैं, इसी चैनल पर करवा देंगे। और फंगस कवक से होने वाले रोग और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है 100% ठीक है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप इस चैनल पर आ गए तो बिल्कुल भी आपको नहीं घबराना है, सब कुछ करवा दूंगा मैं ठीक है। तो ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है, ये एक टीबी एक घातक रोग है जिसके कारण दुनिया भर में प्रतिवर्ष लगभग 2,000,000 लोगों की मौत होती है। दुनिया भर में हर सेकेंड टीबी का एक नया संक्रमण हो जाता है। किससे होता है, जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है, ये हाईलाइट यहाँ पर किया हुआ है थोड़ा सा, ये इसका नाम आपको याद रखना है, इस रोग का प्रमुख कारण है ठीक है। यह आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन कभी कभी इसके कारण पूरा शरीर में घाव बन जाते हैं। लक्षण भी बताएंगे अभी, ट्रीटमेंट भी बताएंगे ठीक है। टीबी को सदियों से जाना जाता है, परंतु सबसे पहले ये पारसी चिकित्सक जो हमारा 11वीं शताब्दी में था, इनकी हिस्ट्री है गाइस देख लेना आप, वैसे आपसे पूछा नहीं जाएगा, बाय चांस पूछ ले तो आप देख लेना ठीक है। तो ये इनके बारे में लिखा हुआ है कि जिसे सूक्ष्म जीव का पिता फादर ऑफ माइक्रोलॉजी माना जाता है, जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का इन्हें पता लगाया था, और 1905 में एक खोज के लिए शरीर विज्ञान में ये इनके बारे में लिखा हुआ है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है। और किस प्रकार फैलता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये फैलता है आपके हवा द्वारा, छींक द्वारा, खांसी द्वारा, कफ द्वारा ठीक है, इसके थ्रू ये फैलता है। टीबी मनुष्य को छोड़कर किसी भी अन्य जानवरों में नहीं पाया जाता, टीबी जो होता है मनुष्य को छोड़कर किसी भी जानवरों में यानी कि ये जानवरों को नहीं होता। जब टीबी का बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करता है तब यह 3 प्रकार से विकसित हो सकता है ठीक है। संक्रमण के साथ ही बैक्टीरिया विकसित होने लगता है, इसे प्राथमिक टीबी या सक्रिय टीबी इसको बोलते हैं। और इसके लक्षण आपको पता है कि सांस लेने में दिक्कत होती है, बार बार छींक आती है, खांसी आती है, और कभी कभी तो ब्लीडिंग भी आ सकती है खांसी छींक के साथ में ठीक है। और इसका एक्सरे आपको पता है किस प्रकार का दिखाई देता है, वाइट वाइट्स में पैचेस दिखा देते हैं ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस में, और ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। अगला जो रोग है टाइफाइड यानी कि म्यादी भी आप इसको बोल सकते हो ठीक है। तो इसमें क्या होता है, टाइफाइड किससे होता है, कौन से जीवाणु से होता है, कौन से बैक्टीरिया से होता है, साल्मोनेला टाइपी से होता है, की वजह से होने वाला है गंभीर रोग है, जिसमें यह बैक्टीरिया पाचन तंत्र को इफेक्ट करता है। गाइस कौन सा बैक्टीरिया कौन सा रोग में कौन सा सिस्टम इफेक्ट होता है ये तो आपको पता ही रखना है ठीक है ना। तो ये पाचन तंत्र को इफेक्ट कर रहा है यहाँ पे साल्मोनेला टाइपी, म्यादी बुखार साल्मोनेला पैराटाइपी की वजह से होने वाला एक रोग है ठीक है। यह रोग ज़्यादातर विकासशील देशों में पाया जाने वाला अजान साफ सफाई की कमी है। साल्मोनेला टाइपी केवल मनुष्य में पाया जाता है, यह बैक्टीरिया से मानव प्रतिरक्षा प्रणाली में बचाव के लिए सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है, ये तो आपको याद रखना है ठीक है। टाइफाइड का संक्रमण 2 चरणों में होता है, पहले चरण में बैक्टीरिया आंत में दूषित पानी या भोजन के द्वारा पहुंचता है और आंत की दीवार पर म्यूकसा को बेध कर यानी कि हमारा जो पाचन तंत्र है उसको इफेक्ट करता है, और इसमें पाचन तंत्र के विकार आते हैं जैसे कि भूख नहीं लगना, उल्टी होना है ना,
ऐसे लक्षण इसको दिखाई देंगे, क्योंकि अगर पाचन तंत्र को प्रभावित कर रहा है तो वही सिस्टम प्रभावित होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है कि ये जो म्यूकोसा लेयर होती है ना आपकी छोटी आँख की, आँख में म्यूकोसा लेयर होती है आपकी, ठीक है, उसको भेद कर उत्कों में पहुँच जाता है। इसके बाद ये बैक्टीरिया रक्त में चला जाता है। गाइस देख लो कितना खतरनाक है। टाइफाइड के लक्षण प्रकट होने लगते हैं और इसमें बहुत तेज़ बुखार 105 डिग्री फारेनहाइट से, देख सकते हो 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। पसीना भी आता है और दस्त के लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। इसके बाद ये बैक्टीरिया अस्थि मज्जा को भेद कर जिगर और पीत नलिका में पहुँच जाती है। ये खतरनाक डिजीज है। दूसरे चरण में ये बैक्टीरिया छोटी आँख में पहुँच जाता है, जो लंबे समय तक दस्त बना रहता है और इसमें लक्षण भी दस्त के आते हैं। ठीक है, संक्रमण के 2 से 3 हफ्ते के भीतर रोगी को नियंत्रण, काशी, गंभीर पेट दर्द, तेज सिर दर्द, धीमी हृदय गति लक्षण दिखाई देते हैं। तो इसके लक्षण बहुत ही खतरनाक है, जैसा कि आपने भी देखा वोमिटिंग भी इसमें होती है, पेट दर्द होता है और इसमें नियंत्रण काशी आप देख सकते हो, पेट दर्द, भूख नहीं लगना, हमारा जो हार्ट है उसकी गति धीमी हो जाती है। और किस कारण से होता है ये भी आपने देख लिया, तो किस कारण से होता है, लक्षण क्या है और इसके कुछ फीचर, जैसे कि इसमें बुखार कितना ज़्यादा आता है। ठीक है, तो ये बेसिकली चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलते आगे की ओर। अगला है आपका कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है, बैक्टीरिया से। और आज का ये जो वीडियो, ये पूरा बैक्टीरिया पे, सारे बैक्टीरिया से होने वाले रोग हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, खतरनाक रोग है कुष्ठ रोग, इससे हैंसन रोग भी कहते हैं, दूसरा नाम भी याद रखना है आपको, इस नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हैंसन रोग। ठीक है, कुष्ठ रोग में त्वचा में घाव बन जाते हैं और यह मुख्य रूप से चेहरे और हाथ पैरों की तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, यह बैक्टीरिया सामान्यतः 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 33 डिग्री सेंटीग्रेड पर बहुत अच्छी तरह से पनपता है। कुष्ठ रोग से संक्रमित व्यक्ति में संक्रमण से रहने से यह तेजी से फैलता है, यह बैक्टीरिया बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। इसकी उष्मायन अवधि, इंक्यूबेशन पीरियड कुछ महीनों से लेकर कई सालों तक हो सकता है। कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग का एड आपने देखा भी होगा, पहले टेलीविजन में आता था कि कुष्ठ रोग का MDT से पूरी तरह से इलाज हो सकता है। ठीक है, तो MDT और टेबलेट आती है। ठीक है, इस संक्रमण के सबसे पहले लक्षणों में त्वचा का रंग बिगड़ने लगता है और बाद में त्वचा में घाव बनने लगते हैं। नाक और गले की म्यूकोसा पर संक्रमण से यहाँ की उपस्थिति में कटाव और छेद होने लगते हैं। यह बैक्टीरिया त्वचा के पास तंत्रिकाओं को संक्रमित करता है। और गाइस मैं आपको बता दूँ, जैसे आपकी त्वचा होगी वहाँ पर कोई इस प्रकार का धब्बा सा बन जाता है, वाइट वाइट सा, तो इस धब्बे में अगर आप कुछ भी चुभोएंगे ना, पेन वगैरह, तो आपको पता नहीं चलेगा, सेंसेशन। तो ये इसकी पहचान है, कुछ स्ट्रोक है इसका मतलब। तो ठीक है, क्योंकि धब्बा नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर देता है और आपको कुछ भी सेंसेशन नहीं होती, तो इसकी पहचान है रोग की, तंत्रिकाओं को अफेक्ट करता है ये रोग। ठीक है, और यहाँ पर आप लास्ट लाइन देख सकते हो कि यह रोग आँखों की तंत्रिकाओं को संक्रमित करके अंधापन भी ला सकता है। तो यह भी खतरनाक डिजीज है। डिजीज़ तो कोई सा भी हो गया गाइज, सभी खतरनाक होते हैं, निरोगी काया बेस्ट है। ठीक है, बट गाइज कहीं ना कहीं से बैक्टीरिया एंटर मार जाते हैं, तो इसका इलाज ढूंढना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम पढ़ाई करते हैं। ठीक है, ताकि इलाज कर सके। चलते आगे की ओर। ये आ गया आपका MDT। ठीक है, MDT का मतलब भी समझेंगे। इस बैक्टीरिया का रक्त परीक्षणों द्वारा पता नहीं चलता। इसके इलाज के लिए कई प्रकार के एंटीबायोटिक दवाइयों का संयोजन लिया जाता है। ठीक है, बहु औषधीय थेरेपी, मल्टी ड्रग थेरेपी। MDT का मतलब क्या होता है? M मतलब मल्टी, डी फॉर ड्रग, टी फॉर थेरेपी। ठीक है, तो ये होता है MDT का मतलब। तो पहले जो एड आपने देखा होगा कि MDT से पूरी तरह से इलाज पॉसिबल है, तो इसका मतलब ये था मल्टी ड्रग थेरेपी। ठीक है, और यह इलाज 6 से 12 महीने तक चलता है गाइस, इसका ठीक हो जाता है पेशेंट। तो आप देख सकते हो, इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो वीडियो को पॉज करके, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस इतना सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दिया हुआ है कि कुछ देशों में इसके लिए BCG का टीका भी लगाया जाता है, तो आपको पता है कि TB के लिए तो लगाया जाता है BCG का। टीके के ऊपर भी वीडियो बनेगा गाइस, अगर आप कमेंट करोगे तो बता दूंगा कि कौन से टीका। हाँ, टीके के ऊपर तो आता है गाइस। ठीक है, तो टीके के ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन बनता है एंट्रेंस एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है, कौन सा टीका कब लगाया जाता है, कहाँ पर लगाया जाता है, ठीक है, सब कुछ बता दूंगा मैं आपको, बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस और लाइक। ठीक है, चलते आगे को। तो ये हमने कुष्ठ रोग की बात कर ली और MDT से इसका इलाज पॉसिबल है।
अगला जो डिजीज़ आपका डिप्थीरिया, किससे होता है? डिप्थीरिया जीवाणु कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया की वजह से गले, नाक और त्वचा में होने वाला संक्रमण के, ठीक है, किसमें? गले में, नाक में और स्किन में होने वाला रोग है। कई सालों पहले यह घातक रोग था, परंतु बेहतर प्रतिरक्षण कार्यक्रमों इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के संक्रमण से कमी आई है। डिप्थीरिया एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति में हवा द्वारा या संक्रमित व्यक्ति के घाव द्वारा फैलता है, ठीक है। 5 वर्ष से छोटे और 80 वर्ष से अधिक आयु व्यक्तियों में इसके संक्रमण का खतरा अधिक होता है। बच्चों में ज़्यादा होता है बेसिकली वे, ये जो हमारा डिप्थीरिया रोग है, इसके संक्रमण के बाद गले में गले को इफेक्ट करता है, लिम्फ ग्रंथियां सूख जाती है, तो डिप्थीरिया गले में झिल्ली सी बन जाती है। मैं आपको बता दूँ निगलने में भी दिक्कत आती है बहुत सारी, ठीक है, लिम्फ ग्रंथियां इसमें सूख जाती है और जिससे गर्दन बहुत मोटी हो जाती है। डिप्थीरिया के गंभीर मामले में हृदय, तंत्रिका तंत्र और गुर्दे इफेक्ट होते हैं, यानी कि बेसिकली तो आपको ये याद रखना है कि इसमें गला इफेक्ट होता है, ठीक है ना, डिफ़िकल्टी होती है स्वेलिंग में खाने में, तो ये डिप्थीरिया के लक्षण है। किससे होता है? कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया की वजह से होता है और ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, ठीक। चलते आगे, अगला रोग है लाइम रोग, लाइम डिजीज, लाइम रोग बैक्टीरिया बोरेलिया बर्गडोर्फेरी से होता है, ठीक है, जिससे एक छल्ले के रूप में लाल दाने और सूजन हो जाती है। इसके साथ फ्लू जैसे लक्षणों के साथ सिर दर्द, गले में क्रास, बुखार, मांसपेशियों में दर्द, ऐठन ऐसा होता है, ठीक है। तो इसके लक्षण भी आप देख सकते हो लाइम रोग के, थकान होती है और इसमें अस्वस्थता जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। यह जीवाणु एक टिक एक्रोस से काटने से फैलता है, किससे फैलता है? टिक्स देखे होंगे ना आपने, टिक्स या फिर एक्सोडस के काटने से फैलता है, ये इनमें पाया जाता है, तो इनको काटने से बचना चाहिए, टिक्स के काटने से, इनके काटने से, ठीक है। घास झाड़ियों में चलने और जानवरों द्वारा ये रोग फैलता है। इस रोग की पहचान मुश्किल होती है क्योंकि इस रोग के लक्षण अन्य रोगों से मिलते हैं और इनके परीक्षणों द्वारा इसकी जांच संभव है। एंटीबायोटिक द्वारा इनका इलाज हो सकता है क्योंकि बैक्टीरिया से होता है, तो एंटीबायोटिक दे दो, ठीक है। चलते आगे को, अगला जो रोग है निमोनिया, निमोनिया किससे होता है, किस को इफेक्ट करता है, लक्षण क्या है, निदान क्या है, ये सारी नॉलेज हम यहाँ पर लेंगे। सो बेसिकली निमोनिया श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी का एक रोग है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है, श्वसन तंत्र को इफेक्ट करता है, जिससे हर साल लाखों लोग की प्रभावित होते हैं और बहुत सारी मृत्यु भी होती है, ठीक है। निमोनिया हल्का से गंभीर और घातक भी हो सकता है। निमोनिया रोग ज़्यादातर बैक्टीरिया के कारण ही होता है, परंतु यह वायरस, कवक और परजीव कारण भी हो सकता है, ठीक है। निमोनिया में ये सूक्ष्म जीव फेफड़ों की कुपिकाएं, सब पढ़े हुए आप, मेरे को पता है फेफड़ों की स्ट्रक्चर किसने नहीं पढ़ी, सबने पढ़ रखी है, सबको पता है वायु कुपिकाएं होती है अंदर और क्या, ठीक है। तो वायु कुपिकाएं आपको पता होना चाहिए, गाइस एक क्वेश्चन पूछो आपसे, हमारा जो फेफड़े होते हैं क्या दोनों सेम साइज के होते हैं या फिर कहीं छोटा बड़ा होता है, ये आपको आंसर बताना है कमेंट में, मैंने बेसिकली आपसे पूछा है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, इसे आ ही जाएगा आपको कि कौन किस साइड का फेफड़ा छोटा होता है, किस साइड का बड़ा होता है या फिर दोनों सेम होते हैं, ठीक है, तो आपको बताना है। सो निमोनिया पढ़ लेते हैं पहले, निमोनिया से ये बैक्टीरिया से भी होता है, वायरस से, फंजाई सबसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं और ये फेफड़ों में किसको इफेक्ट करता है, कुपिका या एल्वियोलाई का नुकसान पहुँचाता है, जिससे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, प्रतिक्रिया करता है और फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान रुकावट। देखो गाइस ये आपको पता है कि वायुकुपिका तो आपने देखी होगी, आपको समझा देता हूँ। एक वायुकुपिका मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ये एक वायुकुपिका मैंने ले ली क्योंकि अंगूर का गुच्छा तो देखा होगा आपने, बहुत सारी होती है, मैंने एक आपको समझाने के लिए बोल दिया। और इसी के टच में होती है हमारी रक्तवाहिनियाँ, ठीक है, रक्तवाहिनियाँ। अब इसमें ब्लड जा रहा है, ब्लड से इधर तो फिर CO2 चली जाती है और इधर से O2 ब्लड में आ जाती है, ठीक है, O2। अब ये जो सिस्टम चल रहा है ना, ये निमोनिया इसको ही इफेक्ट करता है, ये O2 अंदर जा रही है, CO2 बाहर आ रही है, तो ये क्या है, निमोनिया। यहाँ पर फ्लूड मान लो जम गया, तो यहाँ पर कोई भी फ्लूड जम गया तो आप ही बताओ कैसे एक्सचेंज होगा, फिर नहीं होगा ना, तो ये क्रिया बंद हो गई, तो फिर समझ आओ कि सांस में प्रॉब्लम है, बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो आप अनुमान लगा सकते हो फिर क्या होगा,
बॉडी को तो प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए ना, बट ये यहाँ पर कुछ जमा हो गया तो नहीं हो पा रही, तो सांस लेने में दिक्कत आएगी, ठीक है, तो इसी कारण से मृत्यु भी होती है अगर ज़्यादा गंभीर हो जाए तो। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, फिर भी नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हो। तो यहाँ पर आ गए थे हम कि ये किसको इफेक्ट करता है, कूपिका को नुकसान पहुँचाता है जिससे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिक्रिया करता है और फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान रुकावट होती है और इसमें सूजन हो जाती है, ठीक है। निमोनिया फेफड़ों के किसी भी एक हिस्से को प्रभावित करता है और निमोनिया फेफड़ों द्वारा कई हिस्सों में प्रभावित करता है, या इसके बेसिक जानकारी है। तो ये बैक्टीरिया से होने वाला निमोनिया आप देख सकते हो, इसे सामान्य निमोनिया भी बोलते हैं। कई तरह के बैक्टीरिया जैसे कि लीजोनेला, निमोफिल, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, ये इनके कुछ प्रजातियां यहाँ पर दी हुई है। चलते आगे को देख लेना वीडियो को पॉज करके। और एंटीबायोटिक से इसका इलाज पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि नहीं है, इसका इलाज है क्योंकि ये बैक्टीरिया ऐसे होता है इसलिए। चलते आगे, अगला था आपका रिकेटस। रिकेटस शब्द सूक्ष्म जीवों का एक व्यापक समूह है जो कई तरह की महामारियों का कारण बनता है। डॉक्टर हावर्ड रिकेटस जिनके नाम के ऊपर इस बैक्टीरिया का नाम रखा गया है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली बैक्टीरिया के ऊपर शोध करते समय उसकी मृत्यु हो गई थी। रिकेटस छोटे बैक्टीरिया होते हैं जो आर्थ्रोपोडा से संबंधित होते हैं। इसके बारे में कुछ ज़्यादा यहाँ पर डिटेल नहीं है, तो आपको इसके इस रोग के प्रमुख जीवाणु आपको याद, वैसे बेसिकली यहाँ से नहीं पूछा जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलते आगे और नेक्स्ट है आपका सिफिलिस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिफिलिस एक यौन संचारित रोग है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड यानी कि STD, जो गंभीर स्वास्थ्य समस्या पैदा कर सकता है। यह गर्भवती यानी कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती है के नवजात बच्चों को में भी फैल सकता है। विश्व के उन भागों को जहाँ साफ सफाई की कमी होती है। सिफिलिस के बारे में सैकड़ों वर्षों से जानकारी है और यह अभी भी एक प्रमुख यौन संचारित रोग है। किससे होता है सिफिलिस? ट्रेपनोमा पेलिडम से, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। एक संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क या फिर मौखिक या फिर गुदा या फिर योनि, ठीक है, के बाद ट्रोपोनिमा पेलिडम प्रजनन नली या मुख की त्वचा पर सलिष्मा झिल्ली के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है, ठीक है। सो गाइज, ये मैं आपको लक्षण दिखा रहा हूँ यहाँ पे सिफिलिस के प्रमुख लक्षण, ये या आपको याद रखने। पीड़ादायक घाव, त्वचा पर लाल चकत्ते, सामान्य फ्लू जैसे लक्षण, मुख के घाव, ग्रंथियों में सूजन, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, वजन घटना, बालों का झड़ना, ठीक है, ये इनके लक्षण है। न्यूरोलॉजिकल हृदय और मांसपेशियों में खस्ती पहुँचती है। इस संक्रमण से प्रभावित रोगी में HIV संक्रमण के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी तो यौन संचारित रोग है HIV और क्लेमाइडिया भी है, ठीक है, और ये इसका भाई आ गया सिफिलिस, ठीक है। चलते आगे और गाइज, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर टिक लगाना चाहूँगा, ये जो रोग, इस रोग का जो निदान है ना सिफिलिस का, वो किससे किया जाता है? इसका जो टेस्ट होता है ना VDRL होता है, ये याद रख लेना बस आपको। क्या रखना है? VDRL, पहला यौन रोग प्रयोगशाला परीक्षण VDRL, और दूसरा प्लाज्मा थेरेपी के रिपीट RPR, ठीक है, तो VDRL और RPR याद रख लेना बस। चलते आगे और अगला है आपका काली काशी, ऊपिंग कप पर्टुसिस। काली काशी ऊपरी श्वसन प्रणाली के अस्तर का एक बेहद संक्रामक और घातक संक्रामक है। यह ब्रोडेटेला पर्टुसिस नामक बैक्टीरिया द्वारा होता है। यह छोटे बच्चों और उस कटिबंधों के कम विकसित देशों में आमतौर पर फैला जाता है, ठीक है। इसके शुरुआती लक्षण सामान्य सर्दी जुकाम जैसे ही होते, संक्रमण के 2 हफ्ते बाद ही इसके लक्षण दिखाई देते हैं, जिससे काशी की एक विशेष आवाज़ होती है जिसे वूपिंग साउंड कहते हैं, ठीक है। चलते आगे, रोगी तीव्र काशी देर तक आती है जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है, कभी कभी रोगी को निमोनिया भी हो सकता है। इलाज की बात करें तो यहाँ एंटीबायोटिक द्वारा इसका इलाज पॉसिबल है। टीकाकरण द्वारा रोगों को रोका जा सकता है। बच्चों में यह टीका डिप्थीरिया, काली काशी, पर्टुसिस, आप सब जानते हैं कि एक सूजन के रूप में दिया जाता है, ठीक है, तो टीके के थ्रू इसका इलाज पॉसिबल है गाइज। तो गाइज, आपको ये सारे रोग जो मैंने बताए किस कारण से होते हैं, लक्षण क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिए, रोग कारण मैंने बता दिया, लक्षण मैंने आपको बता दिए, इलाज मैंने आपको बता दिया, तो ये तो आपको याद ही रखना है, 100% बनेगा, ठीक है। और इसी प्रकार के नॉलेजफुल वीडियो रोज़ पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो। और आपको विटामिन का वीडियो चाहिए, हार्मोन का चाहिए,
फिजिक्स का चाहिए, केमिस्ट्री का चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, बायोलॉजी का चाहिए तो देख लो ठीक है, और किस भी टॉपिक पर आपको चाहिए तो कमेंट करके बता दिया करो ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।